कब आपको बताएं, रमज़ान मुबारक का पहला अशरा, चौथे रोज़े के लिए सहरी की तैयारियां जारी हैं। घरों में दस्तरखान सज रहे हैं तो वहीं शहरी होटल्स में सहरी में मसरूफ़ हैं। इस्लामाबाद में इज्तमाही सहरी का जलसा सिलसिला जारी है। शहर कायद में नुमाइश चौरंगी पर फलाही इदारे की जानिब से सहरी का अहतमाम किया गया। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी भी यहाँ सहरी करेंगे। लाहौर में शहरी सहरी के लिए फूड पॉइंट्स पर पहुँच गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है सरदार अवैस ने, कराची से सलमान अहमद ने और लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे कैसर इफ्तखार। सबसे पहले रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहां पर हमारे साथ साथ मौजूद हैं सरदार अवैस। सरदार अवैस, बताइएगा कि आज चौथा रोज़ा है तो क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? शहरी आ रहे हैं वहाँ पर रोज़ा सहरी करने के लिए? जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की चौथी सहरी है और मैं इस वक्त इस्लामाबाद के F7 मरकज़ में मौजूद हूँ। यहाँ पर गुज़िश्ता कई सालों से जो वो इज्तमाही सहरी का एहतमाम किया जाता है, तो इस रवायत को बरकरार रखते हुए इस बार भी यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर मुस्तकीन के लिए इज्तमाही सहरी का एहतमाम किया जाता है। इज्तमाही तौर पर जो दस्तरखान लगाया जाता है और मुख़य्यर हज़रात और फलाही इदारों के तआवुन से ये दस्तरखान जो है यहाँ पर सजाया जाता है। आज भी यहाँ पर जो मुस्तकीन अफराद हैं उनकी बड़ी तादाद शरीक है, चूँकि एफ्सन मरकज़ के अतराफ में यहाँ पर मुलाजमत से पेशा लोग यहाँ पर रहते हैं और ख़ासकर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जिनकी रात की ड्यूटी होती है वो बड़ी तादाद में होते हैं, तो उनके लिए जो है सहरी का एहतमाम किया जाता है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है सैकड़ों की तादाद में लोग इस दस्तरखान पर मौजूद होते हैं, यहाँ पर आते हैं और सहरी जो है वो करते हैं और अपना रोज़ा रखते हैं। और यहाँ पर जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जो फलाही इदारा है उसके तआवुन से यहाँ पर सहरी का ख़ास कर एहतमाम किया जाता है। आज अगर मैं बात करूँ तो शहर इक्तदार की सहरी भी बड़ी सर्द है, मौसम में जो है वो काफ़ी खुनकी पाई जा रही है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से मौसम सर्द था, लेकिन आज की अगर मैं खासकर इस वक्त सहरी की बात करूं मौसम की, तो बहुत सर्दी है, ठंड की शिद्दत जो है वो काफ़ी महसूस की जा रही है। तो इसी हवाले से जो है वो गर्मा गर्म सहरी का तमाम किया गया है। दही का भी खासकर चने जो हैं इसी तरह पाए हैं, निहारी का जो है वो खासकर यहाँ पर इनके लिए तमाम किया गया है, ताकि इस सर्द मौसम में जो है वो तगड़ी सहरी जो है वो शहरियों की दी जाए, ताकि वो पूरा दिन जो है वो रोज़े के लिए अपने आप को ताज़ा दम रखें और तैयार रह सकें। जी जी ठीक है सरदार अवैस, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुख करते हैं शहर कायद का, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अहमद। सलमान, आप बताइएगा कि नुमाइश चौरंगी पर फलाही इदारे की जानिब से सहरी का एहतमाम किया गया है और बताया जा रहा है कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी यहाँ सहरी करेंगे। जी देखिए, मैं इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हूं और यहां पर एक फलाही इदारे की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर शहरी का एहतमाम किया जाता है। बड़ी तादाद में शहरी यहां पर पहुंचते हैं और आज भी आप स्क्रीन पर जो मनाजिर देख रहे होंगे, मेरे अक्का में भी देख रहे होंगे, बड़ी तादाद शहरियों की यहाँ पर मौजूद है और इसमें फैमिलीज़ भी मौजूद है, खवातीन भी मौजूद हैं, बच्चे भी हैं जो कि यहाँ पर शहरी करते हैं रोज़ाना। आज जो इनके लिए एहतमाम किया गया है वो है बारबेक्यू में, उसमें सीख कबाब है, चिकन टिक्का है, इसके अलावा पुलाव है जो इनको पेश किया जा रहा है शहरी के वक्त। और यहाँ पर गवर्नर सिंह भी अब से कुछ देर बाद मुतवक्का है कि वो यहाँ पर आएंगे और शहरी करेंगे। इसके अलावा मैं आपके बताऊँ कि यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर शहरी पहुँचते हैं और दूर दराज इलाकों से यहाँ पर रोज़ाना ख़ास तौर पर जब पहुँचते हैं तो इनके लिए एहतमाम भी ख़ास ही किया जाता है। रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ डिशेज़ होती हैं, कभी बिरयानी होती है, कभी जो है वो टिक्का होता है, कभी जो है वो पुलाव होता है, कभी नहारी होती है, कभी चिकन कढ़ाई होती है। तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ डिशेज इनको शहरी के वक्त में औकात में पेश की जाती हैं और यहाँ पर ना सिर्फ मुतवसित तबके गरीब बल्कि हर जो तबके के ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं वो यहाँ पर शहरी जो है वो करते हैं। यहाँ पर जो है वो इनका दावा है कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना शहरी कराई जाती है और जो इफ्तार भी कराई जाती है और आज ख़ासतौर पर क्योंकि जुम्मतुल मुबारक भी है तो आज जुम्मे के रोज़ भी जो है वो हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में आज चौथी शहरी जो है वो यहाँ पर शहरी करने पर जो है वो मौजूद हैं। ख़ासतौर पर वो शहरी भी यहाँ पर पहुँचते हैं जिनके यहाँ आजकल जो कराची में जबकि गैस और बिजली की लोडशेडिंग पर पाबंदी है लेकिन गैस नहीं होती तो उनके लिए भी मौजूद रहेगा। अब रुख कर लेते हैं लाहौर का, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है कैसर इफ्तखार। जी कैसर, बताइएगा कि आज चौथा रोज़ा है वो जुमातुल मुबारक का, जुमातुल मुबारक भी है और शहरी सहरी के लिए फूड पॉइंट्स पर पहुँच गए हैं। जी बिल्कुल, आज रमजान मुबारक की जो चौथी सहरी है और उस चौथी सहरी पे जो क्योंकि लाहौरिये जो है वो ख्वाबों के वैसे ही बड़े शौकीन होते हैं और सहरी का जो एक
एक जो टाइम होता है वो लाहौरियों के लिए एक त्यौहार से कम नहीं होता, क्योंकि जो नौजवान हैं और फैमिलीज हैं वो अपनी जो एक ग्रुप्स की सूरत में जो है वो फूड पॉइंट्स का रुख करते हैं, और सहरी को कुछ लोग जो है वो पराठों के साथ खा रहे होते हैं, कुछ जो नान चने और उसके साथ साथ जो है वो लस्सी दही और दूसरी चीज़ों के साथ वो जो सहरी का अहतमाम किया जाता है। जबकि लाहौर भर में जो खाबों के पॉइंट्स हैं वहाँ पर सहरी जो है वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं, जबकि कुछ लोग जो है यहाँ से सहरी अपनी मुकम्मल करके तो यहाँ पर मार्केट्स में वॉक करते हैं और उसके बाद लस्सी पीते दिखाई देते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद जो है वो वॉक भी करते हैं यहाँ पर, और उसके फौरी बाद जो है वो दोस्तों के साथ मिलकर वो नमाज के लिए मस्जिद का रुख कर लेते हैं। तो बिल्कुल खाबों के लिए जो लाहौरी वैसे भी मशहूर है, और सहरी और अफ्तारी का जो अहतमाम होता है वो लाहौरियों से बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए फिर जो यहाँ पर हम लोग जहाँ पे मौजूद है यहाँ पर करीब में जो सराउंडिंग में जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे जो नौजवान हैं वो हॉस्टलाइज होते हैं, तो जो हॉस्टलाइज नौजवान हैं वो इकट्ठे होकर फूड पॉइंट्स की तरफ आते हैं और सहरी जो है वो फूड पॉइंट्स पर करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ फैमिलीज भी जो बच्चे बड़े बूढ़े जो है वो फूड पॉइंट्स की तरफ रुख करते हैं और यहाँ पर आकर जो है वो सहरी जो है मुख्तलिफ खानों के साथ सहरी करते हैं, और सहरी करने के बाद जो है वो घरों जो फैमिली है वो घरों को चली जाती है, और जो जो नौजवान है वो मस्जिद में फजर की नमाज अदा करते हैं और उसके बाद घरों को जाते हैं। तो जिस वक्त जो है वो एक सहरी के साथ साथ रमजान मुबारक का चौथा रोजा सहरी के हवाले से हमारे नुमाइंदगान जो हैं हमें मुख्तलिफ शहरों से अपडेट कर रहे थे। इस्लामा से हमें ज्वाइन किया था सरदार अवैस, कराची से सलमान अहमद, और लाहौर से हमें अपडेट किया कैसर इफ्तिखार ने। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।